वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जुलाई और अगस्त माह में आजमगढ़ में कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़े, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंटेनमेंट जोन की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। आज शहर का 70% एरिया कंटेनमेंट जोन है, जिससे कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग, व्यापारियों और आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब राहत भरी खबर यह है कि जिस पटरी में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाएगा, सिर्फ उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सड़क पर आवागमन बाधित नहीं होगा, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनते ही तत्काल सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। साथ ही अगर किसी मरीज की कोरोना से मौत होती है तो राजघाट पर अंतिम संस्कार कराकर सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। शासन ने मानक थोड़े शिथिल कर दिए हैं। पहले शहर में 250 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, जो कि अब शिथिल कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है, तो अधिकतम 100 मीटर के हुआ है, उसको छोटा भी किया जा सकता है सहूलियत के हिसाब से। अभी आप लोगों का बहुत अच्छा सुझाव आया, उस सुझाव में कहा गया है कि साहब मेन रोड को ना बंद करके जिस तरफ कोरोना पॉजिटिव केस है उसी को बंद किया जाए। तो अभी सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आवागमन के लिए मेन मुख्य मार्ग को ना रोका जाए, ये इसको इसकी सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ में जो आपका सैनिटाइजेशन के लिए जो है टीम, जैसे कंटेनमेंट जोन बनेगा SDM साहब को ये निर्देश दिए जाएंगे कि अपने साथ तहसीलदार या SDM जो भी बनाने जा रहे हैं, साथ में नगर पालिका की टीम को अनिवार्य रूप से लेके जाएंगे, अपने सामने उसका वहाँ पे सैनिटाइज कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद ही वहाँ से टीम वापस रवाना होगी। और साथ में राजघाट पे भी एक प्रोटोकॉल हम जारी कर रहे हैं कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव की मरीज जिसकी डेथ हुई है, अगर उसका दाह संस्कार होता है तो उसको भी सैनिटाइज तुरंत ही उसके बाद कराया जाए, ये भी हम प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना की जांच की जाएगी। चिन्हित 6 अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों को जांच के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। शहर के रायदोपुर में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल, राहुल नगर मड़िया स्थित लोटस हॉस्पिटल, सिधारी के सरोज हॉस्पिटल, प्रकाश नर्सिंग होम सिविल लाइन्स, शिवा हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान व रहमान हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी में जांच की सुविधा उपलब्ध है। जनपद में 2 दिन मनाए जा रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के निमित्त बुधवार को भी जिले में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 11 अगस्त को ही लग गई, लेकिन 12 अगस्त को सूर्योदय की तिथि मानने के कारण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाने वालों की संख्या भी बहुतायत में रही। विश्व के कोने कोने में उल्लास, उत्साह, प्रेम और भक्तिभाव के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व पर घर घर उत्सव का माहौल दिखाई दिया। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो की गूंज जनपद के कोने कोने से सुनाई देती रही। पर्व पर घर घर मंदिर मंदिर विशेष साज सजावट की गई, थाने भी सजाए गए, जगह जगह श्री कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। लोगों ने घर आंगन में झांकियां सजा कर भी मुरलीधर की उपासना की। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेड उपलब्ध कराने और उनके बेहतर उपचार के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी ने L2 हॉस्पिटल बनाए गए 100 बेड के संयुक्त मैटरनिटी चिकित्सालय अतरौलिया का निरीक्षण कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। तो वहीं बुधवार को कोविड-19 की तैयारियों को लेकर प्रेसवार्ता की।
मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डीएम ने बताया कि कोविड 19 से बचाव के दृष्टिगत जीजीआईसी में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, डीपीआरओ, डीडीओ, राजस्व व पुलिस विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का सहयोग लिया जा रहा है। डीएम ने बताया कि जिले में 3 दिन से 3,735 टीमें डोर टू डोर सर्वे के लिए लगाई गई हैं, जिसमें अब तक 1,545 संदिग्ध लोगों की जांच की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगस्त माह में अब तक एंटीजन टेस्ट किट से 21,030 लोगों की जांच की गई, जिसमें 935 पॉजिटिव पाए गए। अगस्त में पॉजिटिव आए 724 पॉजिटिव की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 4,697 लोगों की जांच हुई है। डीएम ने बताया कि L1 हॉस्पिटल में इस समय 150 और L3 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में 73 मरीज भर्ती हैं। 395 मरीज होम आइसोलेशन पर हैं। होम आइसोलेशन में जिन 47 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त दिन बुधवार को आजमगढ़ में 86 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब कुल 1,933 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 974 एक्टिव केस हैं, 569 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। इसमें टेलीफोन लाइंस और हर चीज़ की सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा और भी विभाग इसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि डीपीआरओ विभाग, डीडीओ साहब की टीम है, राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है और आंगनवाड़ी की टीम है जो इसमें लगी है। कोविड मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, डोर टू डोर सर्वे से जो संदिग्ध कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं या कोमॉर्बिड जो है उनको आइडेंटिफाई करना वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हाउस टू हाउस सर्वे के लिए टीमें बहुत बढ़ा दी गई हैं। 3,735 टीमें जनपद में पिछले 3 दिन से काम कर रही हैं लगातार। और उसमें अगर हम इस महीने का डेटा देखें, इस अगस्त माह में 1,545 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उनकी टेस्टिंग कराई गई है। तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम इसमें घटक ये है कि इनके जो भी कोरोना संदिग्ध होते हैं उनको टाइमली पता करके उनकी टेस्टिंग करा ली जाए और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको इलाज कराया जाए और उसको कंटेन किया जाए, जिससे कि बाकी में संक्रमण ना फैले। साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए BSA विभाग, शिक्षा विभाग की टीम लगाई गई है, जो कि जैसे ही कॉन्टैक्ट पॉजिटिव हमारे रिपोर्ट्स के माध्यम से आता है 24 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट्स उनके आइडेंटिफाई करती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने में अगस्त माह में आज तक 724 पॉजिटिव केसेस जो आए थे उसमें 4,697 लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में आए या ट्रेस किया गया है और उनकी सैंपलिंग करा ली गई है। साथ ही में एक चीज़ और नया प्रयास शुरू किया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से और फार्मास्यूटिकल शॉप भी दवाइयां ले रहे हैं या ऐसे संदिग्ध कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं या कोमॉर्बिड पेशेंट आ रहे हैं उनकी सूचना ली जा रही है और उनको भी टेस्टिंग कराई जा रही है। अब तक अगर हम देखें तो कल की फिगर जो 11 को है उसमें 80 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स आए हैं, जिसमें एंटीजन किट के माध्यम से 41 पॉजिटिव हुए हैं, ट्रू नॉट के माध्यम से 3 और RT-PCR जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं 36 पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, और नेगेटिव 1401 हैं जो इन पूरे दिन में नेगेटिव जो पेशेंट्स आए 1401 आए सैंपल्स। वर्तमान में 909 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें L1 हॉस्पिटल जो माँ मृत्युंजय डेंटल कॉलेज है उसमें 150 और L2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 73 लोग भर्ती हैं। ऑक्सीजन पे 17 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में हैं, जिनको कि लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही इसमें अब तक जो होम आइसोलेशन पे पेशेंट्स थे 395 का होम आइसोलेशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है। बाकी पे कंट्रोल रूम के माध्यम से डेली सबसे वार्ता होकर निगरानी की जाती है कि उनकी तबीयत में कोई बदलाव तो नहीं है, उसको नोट करके अगर होता है तो अस्पताल पहुंचा जाता है। इस तरह 47 पेशेंट्स को जिनका तबीयत में थोड़ा सा देखने में आया था कुछ समस्या आ रही है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है।
बुधवार को समाज सेवी संस्था स्पर्श फाउंडेशन के तत्वाधान में चौक पर औषधि पौधों और जड़ी बूटियों का वितरण शहरवासियों के बीच किया गया। इस अवसर पर गिलो, सदाबहार, एलोवेरा, आम, पपीता, नीम, तुलसी, चेचड़ा सहित कई औषधि पौधों का कल्पना सिंह व संस्था के पदाधिकारियों द्वारा वितरण किया गया। योग शिक्षक एके दुबे ने इन सभी औषधियों के गुणों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी और इस कोरोना महामारी की संकटकालीन परिस्थितियों में लोगों को इन औषधियों द्वारा अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का उपाय भी बताया गया। इस अवसर पर स्पर्श फाउंडेशन के संस्थापक अवधेश उपाध्याय, सुनील कुमार उपाध्याय, विनय राय, चंदन सिंह, ज्ञान प्रकाश, मुकेश उपाध्याय, अशोक गुप्ता, सुशील श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभी ने लोगों को इस गंभीर महामारी के समय में बचाव के लिए औषधि पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। रोहिणी नक्षत्र व श्री कृष्ण का जन्म, घनघोर अंधेरी रात व भारी बारिश का आगाज सभी को द्वापर युग का एहसास करा रही थी। नदियों में उफान व भक्ति के बहाव का सामंजस्य उस और इस काल में देख सभी प्रभु की लीला चमत्कार से झूम रहे थे। और उधर रात 11:30 बजे के करीब से ही बादल उमड़ घुमड़ कर बरसना शुरू कर चुके थे। तेज व घनघोर बारिश के बीच आकाश में घन गर्जना व धरती पर शंख गर्जना के अद्भुत तालमेल के बीच लल्ला बाल गोपाल की किलकारियां घर आंगन में गूंज उठी। रात्रि 11:30 बजे से बादलों ने जो रफ्तार पकड़ी तो वह भोर तक जारी रखी। मंगलवार की पूरी रात बरसने के बावजूद बुधवार के पूरे दिन बरसात ने थमने का जरा भी नाम नहीं लिया। पूरे दिन हुई लगातार बारिश से शहर में जगह जगह जलजमाव व गंदगी का अंबार जरूर लग गया, लेकिन सरकारी अवकाश होने के चलते लोगों को रेनी डे का भी आभास हुआ। उधर दूसरी तरफ लगातार हो रही इस बरसात से नदियों के जल स्तर में जहां इजाफा हुआ तो वहीं बाढ़ पीड़ितों की चिंताएं और भी बढ़ गईं। धान की फसल को संजीवनी जरूर मिली, लेकिन सब्जी, अरहर व मक्का की फसल का काफ़ी नुकसान हो गया। केवल धान के लिए फायदा है और सब चीज़ का नुकसान है। अरहर का नुकसान है, मक्का का नुकसान है और गन्ना भी जो नीचे है उसका भी नुकसान है। केवल धान के लिए फायदा है बस, और जो है यहाँ इस बारिश से और किसी कोई का फायदा नहीं है। नहीं नहीं, बारिश तो समय से हो रही है लेकिन ज़्यादा हो रही है। बारिश इतना नहीं चाहिए, अब बारिश होना चाहिए लेकिन यह है ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश समय से हो रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो रही है। हाँ, धान के लिए तो नुकसान लगेगा, जो मतलब नीचे धान है वो डूब जाएगा तो उसका नुकसान है, जो ऊपर है उसका नुकसान नहीं है। सब्जी के लिए तो नुकसान है, सब्जी का कोई फायदा नहीं है। जो अगैती आलू की खेती होती थी उसके लिए बहुत नुकसान है, अब वो आलू बोएंगे नहीं, आलू की महंगाई भी ज़्यादा है। अरहर की दाल जो है इस समय जो महंगी है 90 रुपया 100 रुपया, अगले साल 200 रुपया चली जाएगी। अरहर की खेती एकदम नहीं होगी, वो सब खत्म हो गई।